हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूँ आपकी फ्रेंड वर्षा फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बी एंट्रेंस एग्जाम्स की जो पूरी प्रोसेसिंग है उसके बारे में जानेंगे कि प्रोसेसिंग कैसे होती है काउंसलिंग किस तरह से की जाती है तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मिकश्योर sure कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो और अगर आपको थोड़ी सी भी इसमें इन्फॉर्मेशन थोड़ी बेनिफिट लगे उस इंफॉर्मेशन से तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिससे कि उन्हें भी थोड़ी नॉलेज मिल जाए तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी काउंसलिंग की कि इसकी काउंसलिंग किस तरह से होती है तो बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आते हैं कि काउंसलिंग किस तरह से की जाती है क्या प्रोसेसिंग है इसका किस तरह से अलॉट की जाती हैं सीटें तो फ्रेंड्स आज हम इसी के बारे में जानेंगे इसकी जो काउंसलिंग होती है यूपी बी एड एंट्रेंस एग्जाम्स की काउंसलिंग उसमें तीन राउंड होते हैं फर्स्ट काउंसलिंग पूल काउंसलिंग एंड डायरेक्ट एडमिशन हम जानेंगे कि इन काउंसलिंग के अंदर किस तरह से चॉइसेस गिवन होती हैं लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि हमें ऐसे कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पहले फुलफिल करना होगा इस काउंसलिंग में जाने से पहले तो सबसे पहले बात आती है बैंक अकाउंट डिटेल्स की तो सबसे पहले हमें अपने नाम से या अपने फैमिली में अपने फादर या मदर के नाम से हमारा एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और इसके साथ ही साथ हमें एक जो हमारा अकाउंट होगा उसका नंबर हमें पता होना चाहिए आई कोड उस बैंक का पता होना चाहिए बैंक का नाम एंड ब्रांच ये चीज हमें पता होनी चाहिए क्योंकि इसी के थ्रू हम जो ड्राफ्ट है वो बनवाएंगे तो हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए आ, हम बात करें कि इसमें जो कैंडिडेट जो अपियर हो रहे हैं उनको किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट जो है वो दिखाने होंगे तो फ्रेंड्स अगर कोई क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स है जो कि अभी कहीं अपियर है वहाँ पे उसका अभी मार्कशीट नहीं मिली है तो जो भी उसकी जो लास्ट मार्कशीट होगी वहां की उसको कॉपी दिखानी होगी अपनी और फ्रेंड्स ये जो कॉपी होगी वो ओरिजिनल मार्कशीट वहाँ पे एक्सेप्ट की जाएगी तो आपके पास की हो ये ओरिजिनल मार्कशीट जो है वो आपके पास होनी चाहिए और इसके ही साथ अगर आपके पास कोई किसी भी तरह की कोई भी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो इंटरनेट मार्कशीट जो होती है वो तब तक वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं की जाएगी जब तक आप उसे अपने प्रिंसिपल या फिर कॉलेज का या, या आपके यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रार है उसको वेरीफाई ना कर दे तब तक वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है ओरिजिनल तो आप पहले से अपने यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल या यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से उसको वेरीफाई करवा लें इसके बाद डिफरेंट कॉलेज की लिस्ट होती है हमें उसके अकॉर्डिंग कॉलेज की शीट दी जाती है कि किस के अकॉर्डिंग हमारा कहाँ पे लगता है कि हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें कहाँ पे कौन सा कॉलेज मिलेगा हम बात करते हैं कि यूपी बीएड काउंसलिंग में जो प्रोसीजर होता है काउंसलिंग का वो किस तरह से होता है फर्स्ट आता है फर्स्ट काउंसलिंग फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर जो सबसे पहले स्टेप आता है वो होता है रजिस्ट्रेशन इसमें सबसे पहले हमें जो हमारी स्टेट में हमारी रैंक आई होगी उस रैंक के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे कैटेगराइज किया जाएगा जो भी हमने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग रैंक मिली है एग्जाम में जो हुआ था एग्ज़ाम उसमें हमें जो रैंक मिली है उसके अकॉर्डिंग हमें कैटेगराइज किया जाएगा उस कैटेगराइज करने के बाद हमें एक लॉगिन दिया जाएगा जहाँ पे हमें उसको लॉग करना होगा और अपना पासवर्ड वहाँ पे हमें जनरेट करना होगा उस लॉग इन पे ये सारी चीज़ें हमें वहीं प्रोवाइड की जाएंगी उसके बाद जब हम लॉगिन कर लेंगे तो उस उसमें हमें अपने सारे बैंक डिटेल्स फिल करनी होंगी कि हमारा बैंक अकाउंट कहाँ है किस बैंक में आईएफसी कोड क्या है किस नाम से वो बैंक अकाउंट है ये सारी हमें कर, वहाँ पे जो एंट्रीज हैं वहाँ उसमें फिल करनी होंगी उस लॉगिन आईडी में साथ ही साथ जब हम उसको फिल कर लेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है जब तक हमारा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता तब अगर हमारे पास मार्कशीट नहीं है तब तक हमें उसमें अपनी स्कैन की हुई मार्कशीट ही लगानी होगी तो वहाँ पे हम अपनी स्कैन की हुई मार्कशीट को अपलोड कर देंगे और अगर हमारे पास वो फोटो कॉपी नहीं है मार्कशीट ओरिजिनल मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी नहीं है तब तक हम उस इंटरनेट को भी अपलोड कर सकते हैं जो भी इंटरनेट से हमने डाउनलोड करी है ठीक है और जब हमारे पास वो आ जाती है और जो हमारा एडमिशन जाता है तो हम बाद में उसको सबमिट कर सकते हैं अपनी जो ओरिजिनल मार्कशीट की फोटोकॉपी है नेक्स्ट आता है स्टेप काउंसलिंग फी एंड एडवांस कॉलेज फी पेमेंट फ्रेंड्स काउंसलिंग फी की बात करें तो कैंडिडेट को सबसे पहले जो फीस देनी होती है वो होती है काउंसलिंग फीस काउंसलिंग फीस ये वैरी भी कर सकती है किसी भी एग्जाम में वैसे नॉर्मली जो काउंसलिंग फी सबमिट की जाती है वो होती है 750 और जो हमारी एडवांस कॉलेज फीस होती है वो होती है हमारी पाँच हज़ार ये ये सबमिट करने के बाद हमें ऑनलाइन पेमेंट करना होता है जो भी हम प्रेफर करें नेट बैंकिंग डेबिट या क्रेडिट कार्ड किसी से भी हम ये पे कर सकते हैं साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स को किसी भी कॉलेज में सीट अलॉट नहीं हुई है तो उसको ये अगर फाइव जो भी उसने कॉलेज फ़ी के सबमिट किए हैं वो उसको रिफंड हो जाते हैं ठीक है फ्रेंड्स जो आप काउंसलिंग के टाइम जो फीस देते हो तो काउंसलिंग फ़ी तो आपकी जो रिफ़ंड नहीं होती है लेकिन अगर आगे जाके हमें किसी भी कॉलेज में कोई सीट नहीं मिलती है तो जो हमने अपनी एडवांस कॉलेज फ़ी सबमिट करी है जो कि हमारी फाइव थाउजेंड रुपीज थी वो हमारी रिफंड हो जाती है और काउंसलिंग फ़ी हमारी नॉन रिफंडेबल है इसके बाद ही हमें आ, जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट होते हैं उनको वो अब एबल हो जाते हैं कि जो भी चॉइस उन्हें मिलेगी वहाँ पे वो चॉइस फिल कर सकते हैं कि उन्हें किस कॉलेज में चाहिए एडमिशन उसके अकॉर्डिंग वो उस चॉइस को फिल कर सकते हैं चॉइस फिलिंग के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर थर्ड स्टेप आता है चॉइस फिलिंग जिसके अंदर कैंडिडेट वेरीफाई हो जाता है चॉइस फिलिंग के लिए उसको सीट नंबर और जो भी उसके सब्जेक्ट्स होते हैं उस सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग उसको कॉलेज मिल जाता है कॉलेज के अकॉर्डिंग वहाँ पे वो अपनी चॉइस फिल्स कर सकता है जैसे कि किसी भी स्टूडेंट को फॉर एग्जांपल फाइव कॉलेज मिल गए हैं तो उस फाइव कॉलेज में से वहाँ पर वो कैटेगराइज कर देगा कि फर्स्ट नंबर पे मुझे ये कॉलेज चाहिए सेकेंड पे ये चाहिए थर्ड पे ये चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा तब उसको वहाँ पर सीट अलोकेट कर दी जाती है अब हम बात करते हैं कि ये जो इसमें का, का, काफ़ी सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि जेंडर वाइज होता है तो फ्रेंड्स ऐसे जेंडर वाइज इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती कि आपको जो अलॉट की जाएंगे वो जेंडर वाइज की जाएंगे ऐसा कुछ नहीं होता है इसके अंदर आपको आपकी जो रैंक होती है उसके अकॉर्डिंग जो सीट प्रोवाइड की जाती है अब जब तक वो लॉग आउट नहीं कर सकता तब तक वो स्टूडेंट कभी भी अपने मल्टीपल सेशंस में अपनी चॉइस को वो चेंज कर सकता है लेकिन अगर एक बार वो लॉक हो गया तो उसके बाद वो उसको चेंज नहीं कर सकता है इसलिए लॉग आउट होने करने से पहले या फिर लॉकड होने से पहले वो ईमेल आईडी वो उसको अपनी चॉइस को कहीं भी चेंज कर सकता है अगर उसको लगता है कि जो कॉलेज उसने फोर्थ नंबर पर फिल किया है वो कॉलेज अब वो सेकेंड नंबर पर फिल करना चाहता है तो वो इसमें चेंजेस कर सकता है हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो कि हमारा कॉलेज अलॉटमेंट कॉलेज अलॉटमेंट जो होता है वो स्ट्रिक्टली हमारे स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग ही हमें मिलता है जो भी हमारी स्टेट में रैंक होती है उसके अकॉर्डिंग और जो हमने प्रेफरेंस भरी है अपनी उसके अकॉर्डिंग हमें कॉलेज को अलॉट कर दिया जाता है हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी लॉग इन आई हमें मिली होती है वहां से हम अपने डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ जैसे ही किसी भी स्टूडेंट को ये कॉलेज मिल जाता है उसके बाद उसको विद इन थ्री डेज जो भी रिमेनिंग फीस होती है वो उसको सबमिट करनी होती है जिससे कि एक कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ स्टूडेंट ने यहाँ पे एडमिशन ले लिया है और जो भी एस सी के कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने जीरो फीस के लिए ऑप्ट किया होता है वो वहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट अपना डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं जिससे कि उन्हें वहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाए नेक्स्ट पॉइंट आता है रिपोर्ट टू अलॉटेड कॉलेज अब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आपको अलॉटेड कॉलेज होते हैं वहां पर आपको विद इन सेवन डेज के अंदर आपको वहां पर रिपोर्ट करना होता है वहां पर कंफर्मेशन देना होता है कि हाँ आप यहाँ पर आ, एडमिशन लेने के लिए रेडी हो अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आपको वहां पे फिजिकली वेरीफाइड कराने होंगे फिजिकली वेरीफाइड का मतलब ये है कि आपको खुद वहां जाकर उस ऑफिस में जो भी आपका वहां यूनिवर्सिटी का जो प्रिंसिपल ऑफिस है वहां पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे अपने साथ ही साथ जो भी अगर किसी भी तरह का कोई भी ऐसी आपको लगता है कि किसी भी तरह की कोई भी आपसे मिस्टेक हो गई है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहां पे जाके करेक्शन करा सकते हैं अब नेक्स्ट आता है हमारा पूल काउंसलिंग पूल काउंसलिंग किस तरह की काउंसलिंग होती है फ्रेंड्स फर्स्ट राउंड की कंप्लीट uh, होने के बाद जो कि हमारा फर्स्ट uh, काउंसलिंग उसको कंप्लीट होने के बाद जो भी हमारे किसी भी कॉलेज में वेकेंट सीट रह जाती हैं वो हमारे पूल काउंसलिंग uh, के द्वारा फिल की जाती है हम बात करते हैं पूर्ण काउंसलिंग के अंदर किस तरह से फिल की जाती हैं फर्स्ट आता है step, काउंसलिंग में सिर्फ वही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं जो कि फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे किसी भी वजह से वो उसको अटेंड नहीं कर पाए थे तो वो यहाँ पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं पूल काउंसलिंग सेम फर्स्ट काउंसलिंग की तरह ही होता है इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी होती है कॉलेज की फुल फीस देनी होती है और उसके बाद अपने आपको चॉइस फिल करनी होती है सेम आप चॉइस uh, अपने उसी तरह से फिल करोगे आपको एक लॉग इन दे दी जाती है वहाँ पर आप अपना पासवर्ड जनरेट करते हो और फिर आप वहाँ पर अपने चॉइस को फिल कर सकते हो और एक बार अगर आपकी ये सारी लॉग इन बनने के बाद जब आप सारी चीज़ें अपनी फिल कर देते हो तो उसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल्स भी फिल करनी होती हैं जिससे कि जो रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड कॉलेज फीस है वो आप सबमिट कर पाओ तो पूल काउंसलिंग इस तरह से कंडक्ट की जाती है काउंसलिंग का सेकेंड स्टेप आता है काउंसलिंग फी एंड फुल कॉलेज पेमेंट काउंसलिंग फी एंड फुल कॉलेज पेमेंट के अंदर आपको सेम वही प्रोसेस है आपको काउंसलिंग फी देनी होती है सेवन फिफ्टी रुपीजे जो, जो कि नॉन रिफंडेबल है और साथ ही साथ आपको अपनी आ, आ, दूसरी फीस भी देनी होती है जो कि आपकी पड़ती है पाँच हजार एस सी के लिए है और जनरल के लिए है ये फिफ्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज जो कि आपकी ओवरऑल फीस है तो ये आपको देनी होती है अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो सेम वही है कि आपको ये रिफंड हो जाएगी लेकिन जो आपने काउंसलिंग फीस सबमिट की है सेवन फिफ्टी रुपीज वो आपकी रिफंड नहीं होगी इसके बाद आता है चॉइस फिलिंग आप चॉइस फिल कर सकते हो अपनी सीट के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे अपनी चॉइस को फिल कर सकते हैं नेक्स्ट आता है कॉलेज अलॉटमेंट अब कॉलेज आपको अलॉट कर दिया जाता है तो कॉलेज अलॉट करने के सेम वही आपको प्रोसेस है विद इन सेवन डेज आपको वो कॉलेज ज्वाइन करना होता है वहाँ पर आपको अपनी प्रेजेंस लगवानी होती है और आपको वहाँ पे देना होता है कि हाँ आप रेडी हो इस कॉलेज में आने के लिए नेक्स्ट स्टेप uh, आता है प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर डाउनलोड अब यहाँ पर क्या होता है कि आप एक जो आपको लॉग इन आई डी दी है वहाँ से आप कंफर्मेशन लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी आपकी रिमेनिंग फीस जो रह गई है वो आप वहां पर जाके सबमिट कर सकते हैं तो इस तरह से आपकी पूरी काउंसलिंग कंडक्ट की जाती है नेक्स्ट आता है रिपोर्टेड टू अलॉटेड कॉलेज आप अब आप, आपने ये सारी प्रोसेसिंग कर दी उसके बाद विद इन फोर डेज आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ वहां पर आ, ये कंफर्मेशन लेटर सबमिट करना होता है और साथ ही साथ जो भी आप वहाँ के प्रिंसिपल ऑफिस होते हैं वहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ कि ये आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और अगर उस टाइम तक आपकी जो मार्कशीट नहीं आई थी जो आप फोटोकॉपी आपने लगाई थी इंटरनेट की और अगर आपके पास ओरिजिनल आ जाती है तो आपको वो सारी चीजें वहाँ अपनी शो करनी होती हैं नेक्स्ट आता है डायरेक्ट एडमिशन अब हम बात करते हैं कि इस डायरेक्ट एडमिशन के अंदर कौन कौन से कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल होते हैं तो इसमें वो वाले कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जो कि एडमिट नहीं हुए थे फर्स्ट काउंसलिंग में किसी भी कॉलेज के अंदर साथ ही साथ पूल काउंसलिंग के अंदर भी उन्हें किसी भी तरह के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है थर्ड वाले होते हैं जो कि काउंसलिंग प्रोसेस में उन्होंने अब तक पार्टिसिपेशन नहीं किया है ना कि ना ही उन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन किया है ना ही उन्होंने पूल काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन किया है वो लोग डायरेक्ट एडमिशन में एलिजिबल होते हैं अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने फर्स्ट काउंसलिंग या पूल काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट किया था वो डायरेक्ट एडमिशन भी लेने आ गया तो उस तरह के कैंडिडेट को ये सीट नहीं दी जाती है तो इस तरह से सारा प्रोसीजर होता है अब आते हैं कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि रिपोर्टिंग के टाइम आपको जरूरत होती है तो आपकी जो प्रोविजनल अलॉटमेंट का कंफर्मेशन लेटर uh, होता है जो कि आपको आपके यूनिवर्सिटी से मिलता है पोर्टल से वो आपको उसका प्रिंट आउट वहां पे सबमिट करना होता है ये सारी चीजें आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी होंगी साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है उसकी कॉपी लेनी हो, लगानी होती है एडमिट कार्ड की कॉपी लगानी होती है और आपने जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स में मार्क्स स्कोर किए हैं तो वो स्कोर कार्ड आपको लगाना होता है आपको अपने टेंथ का सर्टिफिकेट जो भी आपके टेंथ मार्कशीट का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको वहां पे प्रूफ के लिए लगाना होता है ये प्रूफ आपका डेट ऑफ बर्थ के पर्पज से लिया जाता है कि आपके टेंथ में इतनी डेट थी हमेशा टेंथ की जो डेट ऑफ बर्थ होती है आपकी कंटिन्यू वही चलती है इसलिए टेंथ का मार्कशीट आपको लगाना होता है आपने अब तक जितने भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दिए हैं या फिर आप किसी भी एग्जाम में अपियर हैं तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं इट uh, मीन्स आपको टेंथ ट्वेल्थ आपकी बैचलर डिग्री आपकी मास्टर डिग्री आपने जो भी uh, क्वालिफाई किए हैं डिग्री को जो भी आपने कंप्लीट किए हैं कोर्सेज वो आपके वहाँ पे सर्टिफिकेट आपको लगाने होते हैं उनके फोटो कॉपी साथ ही साथ आपको अपनी कैटेगरी सब कैटेगरी के लगाने होते हैं जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट है इनकम सर्टिफिकेट है और आपको ओरिजिनल आपकी जो फोटो आईडी है जो गवर्नमेंट से इश्यू की गई है वो आपको लगानी होती है जैसे कि आधार कार्ड हो गया वोटर आईडी कार्ड हो गया इस तरह की आपको फोटोकॉपी भी लगानी होती है तो इस तरह से आपकी पूरी प्रोसेसिंग होती है और ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जरूरी होते हैं तो फ्रेंड्स आई होप आपको आ, समझ आ गया होगा की जो काउंसलिंग होती है वो किस तरह से की जाती है क्या प्रोसेस होता है किस किस तरह के रिक्वायरमेंट्स होती है इसमें तो अगर किसी भी तरह की आपकी कोई प्रॉब्लम हो या आपको सजेशन देना चाहते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको पूर्ण करने की तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और बिच वीडियोस के साथ तब तक के लिए बाय बाय